सीजीएल में 2017 में जो मैथ्स का पेपर 17 फरवरी को हुआ था उसके बाकी क्वेश्चन हम करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 विच इज ट्रू, ये हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। और इसके जो ऑप्शन हमें दिए हैं वो है ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए ये सर्ट की फॉर्म में है, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूं, ये हो जाएगा 12 रेज टू पावर 1 बाई 3, 29 रेज टू पावर 1 बाई 4, 5 रेज टू पावर 1 बाई 2। इन नंबर्स का मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम आता है 12, देयरफॉर आई कैन राइट इट 12 रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर 1 बाई 12, 29 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 1 बाई 4 सॉरी 1 बाई 12 एंड सिमिलरली 5 रेज टू पावर 6 होल रेज टू पावर 1 बाई 10। अब क्योंकि ये क्वेश्चन ऑर्डर के ऊपर बेस्ड है, कौन सी सबसे बड़ी है कौन सी सबसे छोटी है हमें ये पता लगाना है, और इन नंबर्स में जो है ये सारी पावर्स एक जैसी हो गई तो जो इनका ऑर्डर होगा अगर मैं इनकी ये पावर हटा दूंगा वो ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो यहां पर ये 12 की पावर 4 है, इसको मैं लिख सकता हूं 12 की पावर 3 * 12, ठीक है, इसको 29 रेज़ टू पावर 3 और 5 रेज़ टू पावर 6 को मैं लिख सकता हूं 25 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। इस 12 के मैं फैक्टर कर देता हूं 2 2 3 और इनके साथ हर एक के साथ एक एक 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 24 * 24 और 36, ठीक है। अब ये 29 * 29 * 29 है, ये 25 * 25 * 25 है और ये 24 * 24 * 36 है। अब यहां पर हम देखते हैं इन नंबर्स को देखते हैं क्योंकि पावर्स सेम होगी लगभग, ठीक है, तो इन नंबर्स को देखते हैं 29 सबसे बड़ी नंबर है इसमें, ठीक है, तो इसलिए इसका क्यूब जो होगा वो सबसे बड़ा होगा और जब मैं उसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये सबसे छोटा हो जाएगा और सबसे छोटे ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन हमें दिया हुआ है जो ये सबसे छोटा है, तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, n इज द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 एंड 6 लीव्स रिमाइंडर्स 1 2 4 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। n एक लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर है, जब उसे 3 4 और 6 से भाग देते हैं तो 1 2 और 4 रिमाइंडर हमें क्रमशः मिलते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 5, जब मैं n को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा ये हमें पता लगाना है। तो n हमारा जो है इस 3 से डिवाइड हो जाता है और 1 रिमाइंडर देता है तो मैं n को लिख सकता हूं n इक्वल टू 3x प्लस 1, क्योंकि 3 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचता है। इसी तरह से मैं n को लिख सकता हूं 4y प्लस 2, ठीक है, और इसी तरह से मैं n को 6z प्लस 4 ये भी लिख सकता हूं। अब यहां पर मैं देखता हूं अगर मैं इसमें 2 ऐड कर देता हूं तो ये 3 बन जाएगा, 1 प्लस 2 3 बन जाएगा और 3 में कॉमन ले सकूंगा, इसमें भी मैं 2 ऐड कर देता हूं तो ये 4 बन जाएगा और 4 में कॉमन ले लूंगा, इसमें भी मैं 2 ऐड करता हूं तो मैं 6 कॉमन ले सकता हूं। तो इस तरह से मैं हर एक इक्वेशन में बोथ साइड्स 2 ऐड करता हूं तो इधर बन जाएगा n + 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 3x + 1 3 कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा 4y + 1 और ये हो जाएगा 6z + 1, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये वाली इक्वेशन से हमें पता चलता है n + 2 जो है वो 3 4 और 6 का मल्टीपल होगा, चाहे x y z की जो मर्जी वैल्यू हो n + 2 जो होगा वो 3 4 और 6 का मल्टीपल होगा। जब ये 3 4 और 6 का मल्टीपल है तो इसका मीनिंग है n + 2 जो होगा वो इनका एलसीएम हो गया 12, यानी कि वो 12 का भी मल्टीपल होगा और 12 का मल्टीपल जो 2 लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है वो होता है 12 6 96 दैट इज 96, ठीक है, 96 हो गया, इसलिए n का वैल्यू हो गया इसमें 96 - 2 94 और 94 को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर बचता है 4, तो इसका आंसर हुआ रिमाइंडर इज 4। क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच इज ट्रू, ये चार स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं जो कि ऑर्डर के ऊपर बेस्ड है सर्च पर, इनमें हमें पता लगाना है कौन सा ट्रू है। यह क्वेश्चन भी 7th क्वेश्चन के जैसा ही है, तो अगेन मैं जो सर्च में है इन नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता हूं 11 रेज टू पावर 1 बाई 3, 7 रेज टू पावर 1 बाई 2,
45 raised to power 1 by 4, 3, 2 और 4 का LCM, अगेन 12 आता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 11 raised to power 4, whole raised to power 1 by 12, इसको लिख सकता हूँ 7 raised to power 6, whole raised to power 1 by 12, और 45 raised to power 3, whole raised to power 1 by 12, क्योंकि order के ऊपर base है, और ये सारी powers जो हैं 1 by 12 same है, इसलिए अगर मैं इनको हटा देता हूँ, तो order के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया, अब मुझे पता लगाना है 11 raised to power 4, 7 raised to power 6 और 45 raised to power 3 में कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, ठीक है? इसके अंदर ये देखिए दो दो ऑप्शन हैं ये, और हमें जो इसके ऑप्शन दिए हैं ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 दिया है, तो इसलिए हमें इनका ऑर्डर पता लगाना होगा। इसको 11 raised to power 4 को मैं लिख सकता हूं 121 into 121, ठीक है, 11 into 11 121, 121 into 121, और इसको मैं लिख सकता हूँ 49 raised to power 3, 49 49 49 तीन बार, ठीक है, और इधर हो गया 45 raised to power 3। अब 49 raised to power 3 45 raised to power 3 से बड़ा होगा, यानी कि सबसे बड़ी ये हो गई। अब हमें इन दोनों नंबर्स में पता लगाना है कि इनमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, ठीक है, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 14,500 के आसपास, ठीक है, 12 का स्क्वायर जो होता है 144, तो ये आ जाएगा 14,500 के आसपास, और इसी तरह से जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो ये हो गया 20 25 into 45, और ये हो गया 45 into 2, दैट इज 90 और 20, यानी कि ये हो गया 90,000, ठीक है, 90,000 के आसपास ये होगा, और ये 15,000 के आसपास है, ठीक है, तो इन दोनों में से हमें पता चलता है ये सेकंड नंबर पर ये है और सबसे छोटी ये है, तो इसका मीनिंग है हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3, दिस इज द करेक्ट आंसर। 10 ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इफ ए प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू 65 देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अगर ए प्लस बी प्लस ए बी का वैल्यू 65 है तो ए और बी का बीच का अंतर कितना होगा, और हमें ये कंडीशन गिवन है कि ए और बी दोनों जो है वो लेस देन इक्वल टू 15 है, यानी कि दोनों 15 के बराबर हो सकती है या 15 से कम होगी। इस चीज को देखिए, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस ए बी को बी इनमें कॉमन ले लिया तो ये हो गया ए प्लस 1 इक्वल टू 65, ये हमें गिवन है। अब अगर मैं a का वैल्यू 1, 2 या 3 में से कुछ लेता हूं तो b का वैल्यू 15 से ज्यादा हो जाएगा। मैं 3 के लिए करके दिखाता हूं, समझ लो हम a का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो ये b into 4 बन जाएगा और ये हो जाएगा 65, 3 इसमें से माइनस में करूंगा तो ये हो जाएगा 62, और 62 को मैं अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो वो 15 से ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि 15 जो कि 60 होता है, ठीक है। इसी तरह से अब अगर मैं इसको 4 लेता हूं तो ये नेक्स्ट 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 65, ठीक है। अगर 65 में से मैं 4 माइनस करता हूं तो 61 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हमारी नंबर्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, फ्रैक्शन में आंसर आएगा, इसलिए ये 5 भी नहीं होगा और a 3 भी नहीं होगा। अब मैं 5 के साथ ट्राई करता हूं, अगर मैं a को 5 लेता हूं b, ये हो जाएगा 6 और ये हो गया 65, अगर 65 में से मैं 5 माइनस करता हूं तो 60 आता है, 60 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो 10 आता है, तो हम इसका मीनिंग है a 5 और b 10 हो सकता है, जो इस इक्वेशन को पूरा सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और दोनों नंबर जो है 15 से छोटी है, इसलिए इन दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा गया था, तो 10 - 5 5 हो गया, व्हिच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 14 raised to power 3, 16 raised to power 3, 18 raised to power 3, so on, 30 raised to power 3, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, और हमें ऑप्शंस पे ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो भी है हम इसे ऑप्शन मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि ऑप्शन का अगर हम इस्तेमाल करते हैं केयरफुली तो हम अपना टाइम और लेबर को बचा सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखिए ये सभी नंबर्स जो है 2 का मल्टीपल है, तो इसलिए मैं इन सब में से 2 कॉमन ले सकता हूं, और क्योंकि सब की सब नंबर जो है रेस्ट पावर 3 है, इसलिए 2 रेस्ट पावर 3 मुझे कॉमन लेने पड़ेगा, जो कि हो गया 8, तो मैं इन सब में से 8 कॉमन लेता हूं, तो ये मेरे पास बन जाता है 7 रेस्ट पावर 3, 8 रेस्ट पावर 3,
9 raised to power 3, so on, and last time हो गया 15 raised to power 3, ठीक है? अब क्योंकि इसका जो भी आंसर आएगा, वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 8 हमारा कॉमन आया, तो हम सबसे पहले इन्हीं ऑप्शंस पे चेक कर लेते हैं, तो इनमें से कौन-कौन सा नंबर जो है 8 का मल्टीपल है, तो 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट मैं करता हूँ, 8 पे डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आप लास्ट की 3 नंबर्स को देख लीजिए, वो 8 से डिवाइड होती है या नहीं होती है, ठीक है? तो ये नंबर 87 का 5641 ये डिविजिबल है, ठीक है? आप इन 3 नंबर पे आप ध्यान दीजिए, 100 प्लेस की जो है ये नंबर्स इवन नंबर है, जब ये इवन नंबर होती है तो हमें 3 डिजिट्स की बजाय ये लास्ट के 2 डिजिट्स को ही हम चेक कर लेते हैं 8 से डिविजिबल है या नहीं है। ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है, ये 24 है और 72 भी है, ठीक है? तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा डिलीट हो गया। अब बाकी ये 3 बचे ऑप्शन में से हमें करेक्ट ऑप्शन पता लगाना है, तो थोड़ा सा काम आगे और करना पड़ेगा। अब ये सीरीज जो है वो सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर वाला फार्मूला मैं लगाऊंगा, जो कि जिसका फार्मूला होता है n n plus 1 upon 2 होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है? तो यहां पर ये सीरीज मेरी 7 से लेके 15 तक है, तो मैं क्या करूंगा इसमें 1 से लेके 15 तक का टोटल निकालूंगा, उसमें से 1 से लेके 6 तक की टोटल माइनस कर दूंगा, तो जब ऐसा करेंगे तो इसके लिए हमारे पास आंसर आएगा ये 8 कॉमन आ गया, ठीक है? अब 15 के लिए मैं करूंगा, n का वैल्यू 15 हो गया, 15 plus 1 16 upon 2, ठीक है? ये कट गया 8 और इसका हो गया स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दूंगा 1 से लेके 6 तक का, तो n का वैल्यू 6 हुआ, 6 जमा 1 7 upon 2 इसका स्क्वायर, ठीक है? यहां पर ये कट गया 3 हो गया। अब स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दो, यहां पर 8 * 15 है, 8 * 15 करने का वही मीनिंग है कि मैं 4 इसका हाफ कर देता हूं, 4 को 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 120, और जब 120 का मैं स्क्वायर करूंगा तो यूनिट प्लेस के अंदर मेरे पास आएगा आंसर 0, ठीक है? और बाकी जो भी नंबर होगा आगे इधर होगा, पर मैं यूनिट प्लेस के लिए मैं चेक करूंगा तो ये हो गया 0, ठीक है? जब ये नंबर अपने पास वाले नंबर से बोरो करेगा तो ये 10 बन जाएगा, और इधर यहां पर 21 आ गया, 21 क्योंकि यूनिट प्लेस पे 1 है, उसका स्क्वायर करूंगा तो वो अगेन 1 होगा, तो ये होगा 1, ठीक है? अब यहां पर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अगेन 0 रहेगा, यानी कि ये 10 हुआ और ये 8 हुआ, 10 में से 8 गया 2 आया, यानी कि जो हमारा आंसर होगा उसके यूनिट प्लेस पे 2 होना चाहिए, और जो भी हमारे करेक्ट ऑप्शंस जो बचे हैं उनमें से सिर्फ ये ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, बाकी ये दोनों भी डिलीट हो गए, देयरफॉर द फाइनल आंसर इज 111672, दिस इज द आंसर। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये जो पूरा लिखा हुआ है इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, आप इसको भी हम ऑप्शन का बेस्ट यूज करेंगे, यहां पर हमारा है 4600, ठीक है? और यहां पर हमें ऑप्शंस जो दिए हैं उनके 10th प्लेस में इन दो में है 6 और इन दो में है 7, अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूं तो 49, जो कि इससे बड़ा हो जाता है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, अगर 6 का मैं स्क्वायर करता हूं तो वो होता है 36, जो कि यहां पे है 46 जो है 36 से बड़ा है। अब हमें पता लगाना है इन दोनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इसको पता लगाने के लिए हम पीछे से चलते हैं, 36 का अंडर रूट हो गया 6, 6 को 250 में ऐड किया तो ये हो गया 256, जिसका अंडर रूट किया वो हो गया 16 को इस पे ऐड किया तो ये हो गया 1296, जिसका अंडर रूट हो गया 36, ठीक है? 36 इसमें मैंने ऐड किया तो वो हो गया 576, जिसका अंडर रूट किया वो हो गया 24, अब यहां पर इसे ऐड करूंगा तो ये आ गया 24। अब यहां पर यूनिट प्लेस में 4 है, यूनिट प्लेस में जब 4 है तो इसका मीनिंग जब इसका स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट प्लेस या तो 2 होगा या 8 होगा, तो हमें 62 का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, 68 गिवन है, तो देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर 68।